गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव। सो काफ़ी दिनों बाद मैं सेशन बना रहा हूँ। बीच में मैं कुछ पर्सनल काम की वजह से, कुछ ऑफिस के काम की वजह से फंस गया था, जिसकी वजह से मैं बीच में वीडियोस वगैरह बना नहीं पाया। ओके, सो अगेन बैक टू द ट्रैक। अभी मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। लास्ट टाइम जैसे कि मैंने देख सकता हूँ कि मैं लास्ट वाला जो वीडियो बनाया था वो था OSPF के ऊपर। अभी मैं उसके आगे की वीडियोज बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सॉरी फॉर द डिले, बिकॉज ऑलरेडी मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज भी थे, हेल्थ इश्यूज भी थे। एनीवेज, हमारा मोस्टली तो एजेंडा यही है कि हम लोगों को वीडियोस बनाना है, सीसीएनए के कंप्लीट वीडियोस है, बिकॉज आगे में मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं, बट कुछ कारण की वजह से मैं बीच में फंस जाता हूँ, ठीक है। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो आगे की वीडियो सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो सेशन में बताया था कि नेक्स्ट वाली वीडियो सेशन में मैं बताने वाला हूँ कि OSPF के स्टेट कितने होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, इसमें होते हैं 7 स्टेट। फर्स्ट इज अ डाउन स्टेट, सेकंड इज अ इनिट स्टेट, थर्ड वन इज अ टू वे स्टेट, फोर्थ वन इज अ एक्सटार्ट, फिफ्थ वन इज एक्सचेंज, sixth one is loading and the next one is full. Okay, so इतने सारे स्टेट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग देखते हैं कि एक ही स्टेट किस तरीके से वर्क करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं एक ही स्टेट के बारे में डिस्क्राइब करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो राउटर ले लेता हूँ, ठीक है। दिस इज राउटर ए and this is the router B, ठीक है। दोनों राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। जस्ट कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे एक इंटरफेस है और यहाँ पे एक इंटरफेस है। यहाँ पे जो इंटरफेस है उसका IP एड्रेस हम लोग दे देते हैं 192.168.1.1 और यहाँ पे 1.2, ओके। और इस राउटर का नाम दे देते राउटर ए और इस राउटर का नाम दे देते राउटर बी, ओके। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी भी किया है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी किया है, तो मैं ऑब्वियसली राउटर ए से राउटर बी का ये वाला इंटरफेस पिंग कर सकता हूँ। सेम एस राउटर बी से राउटर ए का इंटरफेस पिंग कर सकता हूँ, मतलब लाइक आई पी एड्रेस, जो भी आई पी एड्रेस है इंटरफेस का वो आई पी एड्रेस में पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे OSPF प्रोटोकॉल रन नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल बी इन डाउन स्टेट, ओके। तो जब भी मैं OSPF प्रोटोकॉल नहीं रन नहीं करता हूँ तो ये डाउन स्टेट में होता है। तो हमेशा एक बात याद रखना, जब भी हम लोग OSPF प्रोटोकॉल रन नहीं करते दोनों राउटर के ऊपर, एज वेल एज जो पर्टिकुलर नेटवर्क हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा है, मतलब लाइक हम लोग यहाँ पे क्लासिक का नेटवर्क यूज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली नेटवर्क ये होगा 192.168.1.0/24, बिकॉज दिस इज द क्लासिक नेटवर्क, ओके। सो क्लासिक का नेटवर्क रहेगा, जब तक हम लोग एडवर्टाइज नहीं करते तो ये हमेशा रहेगा डाउन स्टेट के अंदर, ओके। तो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ इनिट स्टेट, ठीक है। इनिट स्टेट में क्या होता है, जैसे कि अगर मैं राउटर की बात करता हूँ OSPF, जैसे मैं OSPF रन करता हूँ तो ये राउटर अपने जो कनेक्टेड लिंक से उसके ऊपर हेलो पैकेट भेजना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। व्हाट इज हेलो पैकेट और उसका हेलो पैकेट क्या टाइमर होता है, उसके बाद डेट इंटरवल क्या होता है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। हेलो पैकेट क्या करता है, जब ये लिंक के ऊपर हेलो पैकेज भेजता है तो ये पर्टिकुलर मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस लेके भेजता है। जैसे कि मैंने इसके पहले जो राउटिंग प्रोटोकॉल बताया, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल एंड ईआरपी, इस राउटिंग प्रोटोकॉल का डिफरेंट डिफरेंट मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस होता है। सेम एज OSPF इज अ राउटिंग प्रोटोकॉल, ही इज हैविंग द टू मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस 5 एंड 6, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इनिट स्टेट की, तो इनिट स्टेट में जब भी ये पैकेट हेलो पैकेट इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर भेजते हैं तो वो जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस लेता है, तो दैट आईपी एड्रेस इज 224.0.0.5, तो ये मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस है। सो मल्टीकास्ट आईपी एड्रेस के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। तो किस तरीके से कम्युनिकेशन करते हैं वो हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वाला राउटर ये लिंक के ऊपर अपडेट भेजेगा, हेलो आई एम राउटर ए, बोलेगा कि मेरा नाम राउटर ए है और मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.1, मैं इस लिंक के ऊपर और किसी राउटर को नहीं देख पा रहा हूँ, ठीक है। तो सेम एज राउटर बी क्या बोलेगा, मेरा नाम राउटर बी है और मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.2 और मैं इस लिंक के ऊपर एक राउटर को देख पा रही हूँ, उसका आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 जो कि आर राउटर वन, राउटर ए का आईपी एड्रेस है, करेक्ट।
जब ये इनिशिएट करना, इनिशिएट करना, इनिशिएट करना मतलब क्या होता है, एक इनिशिएट, जैसे कि हम लोग पता है स्टार्टअप करना, शुरुआत करना, इनिशिएट करना, ओके okay? तो जैसे एक सबसे पहले ये इनिशिएट किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ इनिशिएट, ओके। जैसे राउटर बी ने भी बताया कि मैं राउटर बी हूँ और मैं इस पर्टिकुलर लिंक के ऊपर 192.168.1.1 को देख पा रही हूँ। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दिया, मतलब बाय डिरेक्शनल कम्युनिकेशन हो गया, मतलब टू वे कम्युनिकेशन, इसको बाय डिरेक्शनल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ डाउन स्टेट, इन स्टेट एंड टू वे स्टेट आपको समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज अ एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट स्टेट, ओके, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट स्टेट, ओके। तो इस स्टेट में क्या होता है, इस स्टेट में क्या होता है, राउटर ए बोलेगा I will start exchange because I have a router ID 192.168.1.1. Okay, so इसके replacement में इसके ये जो बोल रहा है कि मैं अपना routing table exchange करूंगा because मेरा जो router ID है वो है 192.168.1.1. तो इसके ऊपर router B क्या answer करेगा, router B बोलेगा no, मैं सबसे पहले राउटिंग टेबल एक्सचेंज करूंगा, ओके, बिकॉज मेरा जो राउटर आईडी है 192.168.1.2 है, विच इज द हाईएस्ट आईपी एड्रेस, ओके। तो ये जब दोनों एक दूसरे के साथ ये डिसाइड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टेट, ओके, नॉट राउटिंग टेबल, इज लिंक स्टेट डेटाबेस, डेटाबेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ओके। तो इसके बाद में क्या होगा, जिसका राउटर आईडी हाईएस्ट होगा तो वो क्या बोलेगा कि ये मेरा डेटाबेस है, जो पर्टिकुलर डेटाबेस है उसको बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, ओके, एलएसडीबी बोलते हैं लिंक स्टेट डेटाबेस, बिकॉज़ ओएसपीएफ इज अ प्रोटोकॉल, इज अ लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, करेक्ट। सो लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल ये क्या बोलता है, R2 मतलब राउटर बी, ये बोलता है कि मेरा राउटर आईडी हाईएस्ट है तो ये मेरा डेटाबेस है। उसके बाद में राउटर R1 भी सेम करता है, राउटर ए वो क्या बोलता है, ये भी मेरा डेटाबेस है, जो कि नेबर राउटर, जो कि राउटर भी है, उसको बोलता है कि ये मेरा डेटाबेस है, आप उस डेटाबेस को रख लो, ठीक है। तो इस तरीके का जब कम्युनिकेशन होता है, दैट कम्युनिकेशन इज कॉल्ड एज अ एक्सचेंज स्टेट, ठीक है। एक्सचेंज स्टेट मतलब दोनों एक दूसरे के पास अपना डेटाबेस शेयर कर देते हैं। उसके बाद डेटाबेस शेयर होने के बाद वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन नहीं तोड़ते, वो एक दूसरे को क्वेश्चन पूछते, ठीक है, क्वेश्चन पूछते कि या तो तेरे पास इतने ही राउट्स है या तो तेरे पास और कुछ ज्यादा राउट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले वो बोलते कि अगर आपके पास आप एक्स्ट्रा के राउट्स है या तो कुछ एक्स्ट्रा राउट्स एडेड हुए अपने राउटिंग टेबल, अपने राउटर के ऊपर जो कि एक्सचेंज करना चाहते हैं, तो वो मुझे शेयर कर सकते हैं। सेम एज राउटर बी भी सेम बोलता है राउटर ए को कि अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा राउट्स है जो कि एक्सचेंज करना चाहते हो तो मैं वेट करता हूँ। जो वेटिंग का प्रोसीजर रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ लोडिंग प्रोसीजर, ओके। जैसे लोडिंग होता है तो ये क्या करते हैं, अगर राउट है तो एक्सचेंज करते हैं, अगर राउट है नहीं है तो एक्सचेंज नहीं करेंगे। ऑब्वियसली वो बोलेंगे नहीं, मेरे पास जो पुराने वाले राउट्स थे उतना ही है, मेरे पास कोई नया राउट्स नहीं है, ठीक है। तो अगर ये पूरे स्टेजेस कंप्लीट हो जाते हैं तो राउटिंग टेबल, जो ओएसपीएफ का डेटाबेस टेबल होता है, वो फुल स्टेट में पहुंच जाता है, ठीक है। इस तरीके से ओएसपीएफ का डेटाबेस जनरेट होता है, ठीक है। दिस आर द सेवन स्टेट ऑफ ओएसपीएफ राउटिंग प्रोटोकॉल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये सेशन पसंद आया। मैं इसके बारे में, इसके बाद में मैं एक सेशन लेने हूँ जिसके अंदर मैं बताने वाला हूँ कि ओएसपीएफ सिंगल एरिया के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, मल्टीपल एरिया के अंदर किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं, उसके बाद ओएसपीएफ टेबल्स के बारे में बताऊंगा। तो बहुत सारी चीजें, तो ओएसपीएफ के ऊपर मल्टीपल लेक्चर बनने वाले, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और आगे की लेक्चर हम लोग देखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।